गोशामेल के बीजेपी रीजनल असेंबली राजा सिंह ने महाशिवरात्रि के मौके पर संघर्षी भवन में माले समाज की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर भी इश्तियाल अंगेज तकरीर की और कहा कि गाय का गोश्त खाने वाले मुल्क दुश्मन है। उन्होंने गौरक्षकों को हर वक्त मुतहरिक रहने का मशवरा दिया। राजा सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान में हिंदुस्तान से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, अगर ऐसा हो तो सरहद पर हमारी फौज उनका मुकाबला करेगी, जबकि हिंदुओं को अंदरून मुल्क टोपी वालों से लड़ना होगा। रूस में चल रहा था युद्ध, उस युद्ध में ठीक है दो तरफ का युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन की जनता भी और माता बहने भी हाथ में तलवार और बंदूक लेकर खड़ी हुई है अपने कंट्री की, अपने देश की रक्षा के लिए। तो आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान का युद्ध और चाइना का युद्ध तय है, समझ कर चलो। और जब भी हमारे भारत के प्रति कोई भी दुश्मन हाथ उठाएगा, भारत देश की तो सेना उनका काम करेगी पक्का, लेकिन भारत के अंदर जो गोल्ड टोपी वाले जो आतंकवादी छुपे हुए हैं ना, जो हमारी गौ माताओं को काट के, जो हमारे गौ माताओं को जो मांस खाते हैं ना, जो पांच पांच टाइम जो सवेरे सवेरे चीखते हैं ना, ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन है, हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन। देश के दुश्मनों से तो हमारी आर्मी लड़ेगी, लेकिन हम सबको जो देश के अंदर जो छुपे हुए देश के गद्दार है, इनसे लड़ने के लिए हमें मजबूत होना है। मजबूत होना है ना, लड़ना है ना। क्योंकि मोदी जी है तो सब चीज मुमकिन है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और काशी का काम भी मोदी जी ने तमाम कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में बाबा जी आ रहे हैं फिर से एक बार डंडे की चोट पर, जो मथुरा का भी काम होने वाले समझते चलो, और काशी और मथुरा के पास में जो दो गुंबद है जो इलीगल है ना, वो भी दो गुंबद से हटने वाली है, और भव्य रूप में काशी भी बनेगा और बाबा जी आकर मथुरा भी बनेंगे। तो इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काशी और अयोध्या और मथुरा के दर्शन करने जाना है ना, तो इस बार श्री राम नवमी शोभा यात्रा 10 अप्रैल यानी संडे के दिन आ रही है। उस दिन हजारों की संख्या में बेग अम्बरदान छतरी पर एक संकल्प हमें लेना है, उस शोभा यात्रा में तो आप सब लोग आते हो, लेकिन हमारे सभी लोगों को बुलाओ, जो हमारे राजस्थानी भाई बंधु जो कोने कोने में, जो हमारे माली समाज के जो भाई बंधु हैं, सभी को बुलाओ कि देखो बोलो कि रामनवमी शोभा यात्रा कैसे निकलती है। जब शोभा यात्रा निकलती है तो गोल टोपी वाले घर में छुप जाते हैं, हमारी गौ माता को मारने वाले घर में छुप जाते हैं। ये हमें पूरे हिंदू समाज को संदेश देना है, और हमारे युवा अध्यक्ष जी को, सुरेश भाई को और उनकी टीम को और जितने भी जो हमारे मार्गदर्शक है, उन सबको हृदय से धन्यवाद, और फिर से एक बार महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हाथ जोड़कर एक ही एक निवेदन है, आप मजबूत रहो, हम मजबूत रहेंगे। धन्यवाद।